नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबरनामा सिटी से है, जहां उपखंड मुख्यालय पर संत शिरोमणि मोतीराम जी महाराज के वार्षिक मेले का मंगलवार को ध्वजारोहण के साथ भव्य आगाज हुआ। मंदिर मेला समिति अध्यक्ष श्याम सुंदर या ने बताया व नितेश सेन ने बताया कि 26 मार्च से प्रतिदिन दोपहर को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार शाम को भव्य आरती के पश्चात नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। 26 मार्च से 28 मार्च तक प्रतिदिन शाम 7 बजे सामूहिक भव्य आरती व प्रतिदिन महिला मंडल के द्वारा दोपहर में सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर समिति के सदस्य बंसीलाल सेन व कैलाश दवी ने बताया कि बुधवार को समिति द्वारा विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें 8 बजे से स्थानीय व बाहर से आए गायक कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक मनमोहक भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में मुख्य गायिका उड़ीसा जगन्नाथपुरी से आई हुई राष्ट्रीय स्तरीय नामचीन गायक कलाकार सविता बीबी द्वारा समुद्र भजनों की एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, जिन पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर जमकर झूमे व नृत्य किया। इसके अलावा गायक कलाकार अब्बास से पधारी यामिनी चतुर्वेदी, कुचामन से गायक कलाकार हरीश द्वारका, स्थानीय गायक कलाकार मनोज नागौरी, राजू मिश्रा, नरेंद्र अजमेरा, मुरली पारासर, प्रदीप गौतम, नवरतन कुमावत, बलराज कुमावत आदि ने भी अपने सुमधुर भजनों की कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुतियां दी। मन संचालन विशाल शर्मा उर्फ इलू शर्मा ने किया। इस दौरान कमेटी के प्रमुख सदस्य सुमेर चंद्र सेठी, चंदूलाल सेन, टिकम चंद शर्मा, विजय सेन, जितेंद्र जैन, नरेंद्र सेन, दिनेश सेन, पिंटू शर्मा, नरेश सेन, कृष्णा पारासर, सुरेंद्र सिंह, मिलाप सेठी, हेमंत शर्मा, गगन जैन, लक्ष्य सेठी, मयंक छिपा आदि बड़ी संख्या में सदस्यों व गणमान्य नागरिकों ने कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई। समिति के सक्रिय सदस्य राजू सेन और जुली छिपा ने बताया कि मेले के आखिरी दिन गुरुवार को मोतीराम बाबा मंदिर परिसर से दोपहर 4 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जयपुर व दिल्ली के कलाकारों द्वारा भव्य झांकी सजाई गई, जिसमें कालबेलिया नृत्य व सजीव झांकियां शोभा यात्रा के मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ पिपली बाजार से मेन बाजार होते हुए जोगियों के आसन तक निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक व मातृशक्ति मौजूद रही। नवा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।